भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा कितनी तेजी से बदल रहा है यह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं आपके शहर के बाहर एक नया हाईवे बन गया है और उस पर शायद आप अपनी कार भी ड्राइव कराए हैं आपने शायद वंदे भारत एक्सप्रेस में भी ट्रैवल कर लिया है चीप डेटा के माध्यम से आप अपने स्मार्टफोन पर शायद ये वीडियो देख रहे हैं और इस तरक्की का फायदा इन्वेस्टर्स पा रहे हैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में की गई इन्वेस्टमेंट से जी हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एज अ कैटेगरी इस कैटेगरी ने पिछले एक साल में 58.7 परसेंट का रिटर्न दिया है इस वीडियो में हम आपको इस कैटेगरी की तीन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे ये स्कीम्स हैं निपॉन पावर एंड इंफ्रा फंड कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड और डी टाइगर फंड इन तीनों स्कीम्स ने दिए हैं पिछले तीन सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स। नमस्कार मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली एस जी हां जब हम कमाते रोज हैं खर्चते रोज हैं बचाते रोज हैं तो क्यों ना रोज निवेश करें आज ही जेड फंड डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी जेड फंड जहाँ आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो जी हाँ कहीं से भी की हूँ आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं जेड फंड्स पे और यही नहीं इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को कोलेट्रल कर आप ले सकते हैं लोन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स नाउ ओनली ऑन द फंड्स ऐप तो आज ही जेड ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से आइए बात करते हैं निपॉन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की इस फंड कालीस सौ करोड़ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ है इस फंड का एनएफओ आया था मई 2004 में यानी इस फंड का 20 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड के मैनेजर्स भारत में पावर एनर्जी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स प्राइमरीली लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं एल एन टी रिलायंस इंडस्ट्रीज एन टी पी सी बॉश इंडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट आप इस ग्राफिक में इस फंड के पिछले एक तीन और पांच सालों के रिटर्न देख सकते हैं जी हाँ इस फंड ने पिछले पाँच सालों में अपने इन्वेस्टर्स को ट्वेंटी एट पॉइंट वन थ्री परसेंट के रेट से एनुअल रिटर्न दिया है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड का एयूएम लगभग अठारह सौ और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स एक मल्टी कैप फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं यानी ये लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं एल भारती एयरटेल अल्ट्राटेक एयरटेल अल्ट्राटेकरु प्रोजेक्ट्स और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड आप इस ग्राफिक में इस फंड के पिछले एक तीन और पांच सालों के रिटर्न देख सकते हैं इस फंड ने पिछले सालों में ट्वेंटी अड़तीस सौ करोड़ थर्टी एट हंड्रेड करोड़ है इस फंड के मैनेजर्स कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स हर तरह की मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं यानी इस फंड में आप पाएंगे लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की कंपनीज इस फंड की टॉप होल्डिंग है एन टी पी सी किर्लोस्कर लिमिटेड और एल एन टी आप इस ग्राफिक में इस फंड के पिछले एक तीन और पांच सालों के रिटर्न देख सकते हैं इस फंड ने पिछले पांच सालों में 27.83 परसेंट के रेट से अपने इन्वेस्टर्स को एनुअल रिटर्न्स दिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के मैनेजर्स इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है सबसे पहले इस पॉइंट को स्टडी करते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज को कैपिटल की हमेशा ज़रूरत रहती है इसलिए फंड मैनेजर्स इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट और कैपिटल के हर सोर्स को रिव्यू करते हैं फिर वो देखते हैं क्या इन कंपनीज के प्रोजेक्ट वायबल हैं क्या ये कंपनीज सही समय पर अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर पाएंगी क्या ये कंपनीज बाज़ार से लिए गए पैसे का सही उपयोग कर रही हैं क्या इनके द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड आने वाले कई सालों तक रहेगी और साथ में क्या इनके भविष्य में भी प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे इस सारे डिटेल्ड एनालिसिस विश्लेषण के बाद ही फंड मैनेजर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में स्टॉक पिकिंग करते हैं निपॉन पावर एंड in इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड और डीएसपी टाइगर फंड थीमेटिक फंड्स हैं यानी कि ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पिछले एक साल के रिटर्न देख के इन्वेस्ट ना करें इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन चार पांच साल या उससे अधिक है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में और जानकारी के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे बनाए गए वीडियोस को जरूर देखें कितना एलोकेशन हो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपका क्या ये एलोकेशन एस के माध्यम से हो या लमसम के माध्यम से हो क्या कोई और म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कराने में आपकी हेल्प कर सकती है इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से जेड फंड जहाँ है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली